कलाकार जब अपनी रचनाओं की कल्पना में डूब जाता है तो एक मानसिक बीमारी पैदा होती है। पिग्मेलिज्म नाम है इसका। उसके बाद कलाकार की आंखें कल्पनाशील हो जाती हैं, फिर मूर्तियों और चित्रों में जीवन है ये समझ बैठती है। इन सब वस्तुओं को बाकी की हर वस्तुओं से भी बढ़कर चाहना, लगाव रखना, ऐसे अजीब रोग इनमें पाए जाते हैं जो कि गंभीर मामला है। हमारी जिंदगी में ऐसे ही एक आदमी से वास्ता पड़ा, वो मूर्तिकार था। अरे वो कलाकार ये देखो, अरे उधर देखो, बहुत अच्छी मूर्ति बनाई है। ये देखो क्या कला है, अरे बहुत सुंदर है। अरे वाह, ये वही मुस्कान है ना? अरे हाँ, इस मूर्ति को देखिए, मेरी मास्टरपीस। ओहो, कैसी लगी? बड़ी सुंदर है, दिल को लुभा गई। थैंक यू। तो फिर मिलेंगे। ओके। मीट मिस सनी। हेलो। हुजूर की बड़ी दीवानी है, पहचान बढ़ाने बड़ी बेचैन थी, खींच कर ले आई, अभी बीए पढ़ती है। ग्लैड टू मीट यू। थैंक यू। हाँ, हुजूर को अदाकारी का शौक है, 3-4 बार यूनिवर्सिटी आर्ट्स कॉम्पिटिशन की फर्स्ट प्राइज जीत चुकी है ये। एक्सीलेंट। आपने अपना बताया नहीं? अनु की दोस्त हूँ, नाम गीता है, हमें कला का अंदर बाहर पता नहीं। वैसे आपकी सभी मूर्तियों को दीदार करके बड़ी खुशी हुई थी। थैंक यू। आपके दीदार से तो खुशी ही खुशी हो रही है। हम चले। ओके, सी यू, बाय। राजू के बारे में जब भी कुछ कहती हूँ तो इंटरेस्ट क्यों नहीं लेती? उफ़, ये कला कलाकार की बातें मुझे पसंद नहीं। तुझे राजू के शिल्पी मन की महानता का पता नहीं ना, इसीलिए। ओह नो, महानता की बात मत करो और मेरी जान भी मत खाओ। एग्जीबिशन के बारे में तुमने जब सर फोड़ा तो सर फोड़ाने गई, इसी वास्ते तंग करती हो। तुम नहीं आती तब भी वहाँ पे चली जाती। बस बस, इसीलिए उस मजनू से आंखें मिलने पे बदन से तरतर पसीना छूटा था। यू मुझे तंग न कर, सो जा। ओहो, सोना वोना नहीं। फुटो फुटो, आप फुटो बे। कौन सा पिक्चर? अरे वो लैला मजनू लगी है ना? नहीं री, रोमियो जूलियट। चली। अरे छोड़ो यार, क्या पुराने चटनी को देखना है। देखो क्या आ रहा है। साले की पैंट फटी है। हेलो। क्या बाबू, तुमने कोई नई ड्राइंग बनाई? ओह यस। ब्यूटीफुल, अति सुंदर, मगर ये क्या है? मैं तो कुछ समझी नहीं, तू समझी कुछ? और से देखो, जिंदगी बोलो या मौत बोलो, मोहब्बत बोलो या नफरत बोलो, खैर जो भी हो, फिलहाल तुम अपने पास ही रखो, जब कभी समय आएगा मैं जरूर ले लूंगी। यानी समय अभी नहीं आया?